दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल बादशाह प्रॉपर्टीज पर। दोस्तों हर बार की तरह आज हम एक बहुत ही बेहतरीन सी लोकेशन पर आए हैं और जैसा कि आपके डिमांड होती है रोड के आसपास हो, मैं बिल्कुल आज आपको हाईवे के ऊपर लेके आए हैं जो कि बिल्कुल 200 फीट वाइड रोड है। आपके सीधी लांड्रा से बनूड़ से अम्बाला टू दिल्ली की तरफ आपके अप्रोच हो जाए बिल्कुल रोड की इसकी, तो आपको सीधी सीधी हाईवे है 200 फुट की हाईवे के ऊपर बिल्कुल सेक्टर 115 के ऊपर मोहाली के सेक्टर 115 के अंदर आपके खुद के घर जो बिल्कुल अपार्टमेंट है, हाई रेज अपार्टमेंट रहेंगे। स्ट्रीट में आपकी पार्किंग रहेगी प्लस आपकी जो लिफ्ट्स यहाँ पर डबल रहेंगी आपके पास, और हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पर काफ़ी हैं, रेडी भी हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, जैसी आपको चाहिए वैसी यहाँ पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज के जो अपार्टमेंट है हमारे 3 BHK रहेंगे 1550 स्क्वायर फीट के अंदर, और आइडिया आप यहाँ से ले ही रहे हो सोसाइटी का, बिल्कुल मोहाली के अंदर बड़ी अच्छी सी लोकेशन में, और एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे बहुत ही अच्छी एप्रिसिएशन हमें मिलती है, जहाँ से तसल्ली होती है कि हाँ हमने यार कहीं पैसे लगाए थे तो वो मल्टीप्लाई हुए हैं, कहीं गए नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ हमारी हाईवे के ऊपर होती है तो वो अच्छे से बूम करती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अपार्टमेंट की तरफ और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने अपार्टमेंट के पास, आपके सामने बिल्कुल आपके अपने घर का जो 9 फीट का दरवाज़ा है यार, एकदम शानदार सा यार, वाइड और हाइट दोनों एक शाही तरीके से है। और एंटर करते अपने घर के अंदर, और जैसे आप अपने घर के अंदर आते हो तो आपको एक नज़र आता है एल शेप के अंदर ड्राइंग और डाइनिंग एरिया, जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है, एक अच्छा डिज़ाइन। एल शेप के अंदर एक खासियत होती है कि जब हम एल शेप में आते हैं तो वहाँ पे हमें जो ड्राइंग एरिया और डाइनिंग वो अलग अलग हो जाते हैं, जो कि यूजली हमारे वैसे नॉर्मली नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ड्राइंग एरिया की स्पेस है, आप आइडिया लगा सकते हैं इजीली क्या अच्छी स्पेस है यार, अच्छे से आराम से आपका जो एल शेप के अंदर हमने ड्राइंग सोफा सेट वो रखा हुआ है पूरा, बीच में सेंटर टेबल है, उसके बाद हमारे पास काफ़ी अच्छी स्पेस है, इस तरफ आपका LED पैनल लगा हुआ है। तो यार कहने की बात है, ये आपका जो 1550 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है और स्पेस के मामले में ना यहाँ पर यार क्या बात है, आपको लिफ्ट को स्टेयर्स को सब कुछ मैनेज किया है बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। जो सीलिंग पर जो हमें डिज़ाइन मिलता है वो भी बड़ा शानदार सा है, एक अच्छा सा डिज़ाइन LED लैंप्स के साथ, एक खास चीज़ जो पूरी यहाँ पर बनाकर दी गई है। और एक चीज़ और हमारे अपार्टमेंट में बड़ी खास है, वो है हमारे जो है आपकी बालकोनी इतनी बड़ी है यार कि मज़ा आ जाए, जैसे होता ना कि यार मन कर रहा है आज हमने बाहर बैठना है, या बारिश का मौसम है आज हमने बाहर बैठना है, तो यार बालकोनी ऐसी हो ना तो मुझे लगता है कि आप यहाँ से उठोगे नहीं यार, बड़ी सी बालकोनी है आपकी, इजीली आपकी चेयर्स यहाँ पर लगेंगी, काफ़ी अच्छी जो ग्रिल है उसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी मेंटेन रखी हुई है, और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारी खिड़कियाँ हैं वो आपकी पूरी पूरी बड़ी बड़ी हैं, बिल्कुल 9 फीट तक की हाइट की हैं, तो उससे होता है कि यार पूरे दिन जो आपके घर के अंदर लाइट होती है ना नेचुरल लाइट वो पूरी आती है, और जो एयर थ्रो होता है अंदर क्या बात है यार, शानदार सी हवा अंदर की तरफ आती है ना जब नेचुरल हवा, तो यार वैसे जो मॉर्निंग में जब हम ब्रीद इन करते हैं ना तो आपके ब्लड सेल्स ना ऐसे बढ़ जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, और वैसे खूबसूरत सा घर हो अपना तो ब्लड सेल्स तो वैसे बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो सर दोस्तों ड्राइंग के साथ ही हमारा डाइनिंग एरिया हमें यहाँ पर मिल जाता है, स्पेस अच्छे से मैनेज की गई है यहाँ पर, आराम से आप टेबल को इस तरफ भी लगा दो तब भी हमारे पास काफ़ी अच्छी स्पेस आ जाएगी, और पीछे की तरफ जो डिज़ाइन दिया गया वो बिल्कुल लाजवाब है, अलग अलग तरीके के साथ आपको पूरा डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाता है।
और दोस्तों इसके साथ हमारा जो किचन है एल शेप के अंदर ही हमारा किचन और इसके साथ ड्राई और वेट कॉन्सेप्ट दोनों यहाँ पर मिलेंगे हमें। ये बहुत अच्छा है काम किया यहाँ पर। आज जितना भी आपको देख रहे हो ऊपर स्टोन लगा, ये सारा ऑक्टा स्टोन है वाइट कलर के अंदर, और क्या स्पार्कल्स है इसके अंदर आप देख रहे हो वीडियो में, शायद आपको स्क्रीन पे अच्छे से ना नजर आ रहे हो लेकिन स्पार्कल्स बहुत ही अच्छे यहाँ पर हैं। तो किचन को देख के आपका दिल खुश होने वाली चीज़ है। एक तो सबसे अच्छी चीज़ है ये है कि मुझे लगी यहाँ पर कि यूजली हम देखते हैं कि यार लेडीज़ की ना हाइट ज़्यादा नहीं हो पाती, तो जो बॉक्सेस होते हैं कई बार ऊपर तक हमारा हाथ जाता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए बहुत ही अच्छा इजीली आपका हाथ यहाँ तो जाएगा ही जाएगा, ऊपर भी यहाँ इजीली जाएगा। और 3 स्लैब्स यहाँ पर दे दी गई हैं, यूजली आपकी जो सेल्फ होती है यहाँ से शुरू होती है, तो यहाँ पर ये चीज़ बड़ी अच्छी की गई है। इजीली घर में जो हमारे लेडीज़ होती हैं उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि एक टाइम इतना होता है नहीं है कि सब कुछ करना है, उसके बाद ऊपर चढ़ के स्टूल रख के फिर ऊपर से सामान निकालना, वो बड़ा लंबा काम हो जाता है। सो ड्रॉर्स हमें पूरे यहाँ पर मिलेंगे, बड़े बड़े ड्रॉर्स हैं यहाँ पर। इजीली आपका जो पार्टीशन वाला होता है वो सिर्फ आना है, सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ है पूरे। आपके रैक्स हमें यहाँ पर पूरे मिलेंगे अच्छे से, और डबल लैमिनेशन है सारी की सारी। देखिए किचन जो है वो हमारी पूरी है, उसमें कहीं पर कोई कमी नहीं है। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो हैंडल्स यहाँ पर दिए, बड़े बड़े दिए हैं यार, स्टेनलेस स्टील के दिए गए हैं। यहाँ पर गैस पाइप आपको यहाँ पर पूरी मिल जाएगी, और यहाँ पर एक प्रोविजन है कि आपकी जो गैस पाइपलाइन है वो हमें बाहर से मिलती है गवर्नमेंट वाली, तो हमें सिलेंडर्स को उठाना घूमना घुमाना वो किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मेरे इस तरफ जो है आपका जो है डबल सिंक वे जैगुआर की फिटिंग है। नीचे हमारे पास प्रॉपर रैक्स यहाँ पर भी हमें मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सादा काम करके यहाँ छोड़ दिया गया हो। और एक और अच्छी चीज़ है यहाँ पर, आपने बर्तन धोए यहाँ पर रखे, पानी सारा यहाँ से नीचे, तो आपके पूरे किचन के अंदर कोई भी यार कहीं पे गंद वंद डलेगा नहीं। ये बड़ी अच्छी सी चीज़ है। और सेपरेट यहाँ पर स्पेस दी गई है आपके आरओ के लिए, जो कि बड़ी ज़रूरी होती है। मुझे पता है कि यार लेडीज़ को अगर किचन साफ़ सुथरे से और अच्छे से मिल जाए ना तो खाना और भी अच्छा बनता है, क्योंकि मज़ा आता है यार क्योंकि अच्छे से किचन हो तो। और किचन के साथ हमारा जो है यहाँ पर वॉशिंग एरिया छोटा सा, और इस एरिया का ना एक फ़ायदा और भी बड़ा होता है। आप देखिए खाना बना रहे हो, थोड़ा सा धुआं अंदर हो गया है या फिर स्टीम से ज़्यादा अंदर कलेक्ट हो गई है, हम इसे ओपन कर देंगे इन केस अगर आपने चिमनी नहीं लगाई तो। कई बार ऐसा भी होता है कि यार ज़्यादा देर रखा रह जाता है चूल्हे के ऊपर पकाना तो भी हो जाती है, तो उस केस में भी हम इसे खोल दें तो यार अच्छी सी हवा अंदर आएगी और आपके सारा जो चीज़ें हैं वो बाहर की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इस तरफ हमारे पास इस घर में दोस्तों हमारे पास जो रहेंगे हमारे 3 बेडरूम्स रहेंगे और 2 वॉशरूम रहेंगे, एक हमारा कॉमन वॉशरूम रहेगा और एक हमारा कॉमन अटैच रहेगा। दोस्तों बढ़ते हैं पहले सबसे पहले हमारे बेडरूम की तरफ। एक शानदार सा बेडरूम, एक बड़ा सा बेडरूम यार, साइज़ बहुत अच्छा है यहाँ पर बेडरूम्स का। ये 14x11 के बेडरूम्स है तो यार बड़ा अच्छा साइज़ है यार यहाँ पर। आप देखिए स्पेस के मामले में 6x6.5 का बेड लगा है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इतनी अच्छी स्पेस है, आराम से मेरे हाथ खुल रहे हैं, आप देख सकते हैं क्या स्पेस है यहाँ पर। टीवी पैनल हमारे पास मिल रहा है यहाँ पर, और टीवी पैनल का साइज आप देखिए, वाओ, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, अलग चीज है यार, मजे देने वाली चीज है। ड्रॉर्स हमें यहाँ पूरे प्रॉपर दिख रहे हैं यहाँ पर मिल रहे हैं, और सीलिंग पर जो डिजाइन दिया गया वो बड़ा शानदार सा है एलईडी लैंप्स के साथ। ये खासियत होती है जब अच्छे घर के अंदर आते हैं ना, अंदर आते एक फील जो होती है ना बड़ी अच्छी सी आती है, क्योंकि हम घर को ना सिर्फ देखते नहीं है, हम आंखों से उसे फील करते हैं दिल तक, वो टच करता हमारे दिल को। जब वो अच्छी सी वाइब्रेशंस वहाँ से आती है ना तो हमें लगता है कि हाँ यार हम यहाँ रह सकते हैं आराम से। और दोस्तों अलमीराज जो हमें वार्डरोब्स मिलेंगी पूरी सीलिंग की हाइट तक की मिलेंगी, काफ़ी अच्छी है, डबल अलमीराज है हमें। हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो ग्लास लगा हुआ है ये ग्लास की जगह हमें ऐसा ही सारा मिलेगा। बहुत अच्छे से डिज़ाइन इसको किया गया है, काफ़ी अच्छी है, डीप है, नीचे भी आपके पास स्टोरेज है ऊपर भी है, तो हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंडललेस है तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर, आप देखिए हल्का सा पुश कीजिए और अपने आप बाहर की तरफ आ जाती हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर दी गई है। सिस्टम्स हैं थोड़े से अपग्रेड किए हुए हैं,
जो कि अच्छे लगते हैं जब हम अपने नए घर के अंदर आते हैं कि कुछ चीज़ें अलग हमें मिली हैं हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। और दोस्तों यहाँ पर हमें वॉशरूम जो है वो अटैच मिलेगा। और वॉशरूम की यार बात करें तो यार क्या बात है, टाइल कॉम्बिनेशन जो किया है कलर्स का वो बड़ा लाजवाब सा है, बिल्कुल डिफरेंट सी चीज़ यहाँ पर हमें मिलती है। वॉल हैंगिंग हमें सीट मिलेगी यहाँ पर, और जो आपका सिंक है वो बड़े अच्छे डिज़ाइंस के साथ मिलेगा हमें, बिल्कुल प्रॉपर स्टोरेज के साथ। ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है यार, घर में ना सिर्फ एक रूम बड़ा हो वो काफ़ी नहीं होता, हर चीज़ अच्छी सी होनी चाहिए कि दिल खुश हो हमारा यार, रहने के वक्त आए जब हम तो लगे कि हाँ यार हम अपने घर के अंदर आए हैं, मज़ा आ रहा है। और ये हमारे बेडरूम के साथ अटैच बालकनी यार, दिल खोल के आप हवा खाओ अपने घर के अंदर पूरी की पूरी। कॉमन बालकनी है रहने वाली हमारे दोनों बेडरूम्स के साथ। दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, और ठीक हमारे इस बेडरूम के साथ हमारे पास वॉशरूम है सामने की तरफ, जो हमारे गेस्ट के लिए कॉमन रहेगा और प्लस हमारे दोनों बेडरूम्स के साथ, एक के साथ बिल्कुल अटैच रहेगा और दूसरे के साथ आपका कॉमन। तो जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे गेस्ट को हमारे बेडरूम से होकर जाना पड़े, एक्स्ट्रा वॉशरूम है या स्पेस अच्छी है यहाँ पर, मैनेज अच्छी की अच्छे से किया गया यहाँ पर। और दोस्तों ये हमारा सेकंड बेडरूम, ये वाला बेडरूम दोस्तों हमारा 12x12 का रहेगा और बड़े ही अच्छे डिज़ाइंस के साथ। और देखिए बेड लगाने के बाद भी क्या स्पेस है यहाँ पर, सीलिंग पर बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन है, खिड़की हमें इस तरफ मिल जाती है बड़ी सी खिड़की, ताकि लाइट हमारे पास सारा दिन रहे यहाँ पर। और हमारा बेड यहाँ पर लगा हुआ, बेड के सामने भी हमारे पास एक पैनल मिल जाएगा, और प्लस एक और अच्छी सी चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पर भी एक खिड़की मिल जाएगी। तो यार वेंटिलेशन और लाइट का ना ख्याल जो है वो हर रूम के अंदर रखा गया है, ऐसा नहीं है कि किसी एक रूम में आपको लाइट मिलेगी या वेंटिलेशन अच्छी मिलेगी बाकियों में ऐसा ही रहेगा, नहीं, हर जगह पर ये डिज़ाइंस जो किए हैं बहुत ही लाजवाब से डिज़ाइंस, आर्किटेक्ट को सल्यूट करना चाहता हूँ मैं। और दोस्तों जो हमने वॉशरूम देखा था वो हमारे पास यहाँ पर अटैच है, जो कि कॉमन रहेगा हमारे दोनों बेडरूम्स के लिए, और यहाँ पर इस बेडरूम के साथ अटैच भी रहेगा। ये वॉशरूम जो साइजेस हैं बहुत अच्छे लगे मुझे, काफ़ी अच्छे बड़े हैं साइजेस, कलर्स बहुत अच्छे हैं, और जो अंदर मटेरियल यूज़ किया गया है यार वो लगता है कि हाँ वैल्यू फॉर मनी है। एक चीज़ होती है जब हम परचेज करते हैं तो एक मन में डाउट होता है क्या वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, यार वाकई यहाँ पर बिल्कुल है। और दोस्तों ये हमारा थर्ड बेडरूम, ये भी 14x11 का आपका बेडरूम, एक खास शानदार सा बड़ा सा बेडरूम है यहाँ पर भी हमारे पास। वार्डरूम्स हमारे पास यहाँ पर भी ऊपर सीलिंग की हाइट तक की मिलेंगी, और यहाँ पर जो वार्डरूम्स होंगी हमारी स्लाइडिंग में रहेंगी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको हर रूम में स्लाइडिंग चाहिए तो वो भी हो जाएगा, और आपको किसी में चाहिए कि ओपन बंद होने वाला सिस्टम कुछ हो डोर्स वाला तो वो भी हो जाएगा। स्टोरेज हमें नीचे भी मिलेगी, ऊपर तक आपकी स्टोरेज है, तो मतलब कि आपका कोई भी सामान यहाँ पर बाहर रहने वाला नहीं है। और काफी अच्छा सा साइज हमारे रूम का, बिल्कुल ठीक सामने मेरे बेड के बड़ा सा टीवी पैनल, देखिए जैसे हमने पहले देखा था वैसे यहाँ पर है, क्या साइज है यार, लगता है कि हम बड़े से बड़ा टीवी लगाना चाहे ना वो भी लगा सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ भी हमारी सेम बालकनी अटैच है, ये बड़ी एक अच्छी चीज है। और देखिए आप खिड़की की हाइट देखिए, क्या बढ़िया सी हाइट है यार, बड़ी सी खिड़की है। आपको ना यहाँ पर ये कभी फील नहीं होगा कि यार मेरे रूम के अंदर ना लाइट कम आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, नहीं पूरी लाइट आएगी और बड़ी अच्छी सी लाइट आएगी। तो दोस्तों जो चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं वो कंप्लीट हैं, कोई आधी अधूरी चीज़ नहीं मिलती है। तो यार ये चीज़ होती है हमारे अपार्टमेंट में कि हम अंदर आएं और दिल खुश हो जाए। तो दोस्तों हमने आज देखा हमारा 3BHK अपार्टमेंट, जो कि 1550 स्क्वायर फीट के अंदर है, बिल्कुल हाईवे के ऊपर सेक्टर 115 मोहाली के अंदर, एक अच्छी सी लोकेशन है जो बिल्कुल आपकी जो है बनूड़ से होकर, लांड्रा से बनूड़, बनूड़ से अम्बाला और दिल्ली,
दिल्ली से बिल्कुल कनेक्टेड है और बिल्कुल 200 फुट की हाईवे है हमारी। और दोस्तों हाईवे के ऊपर घर होना एक अपने आप में अलग चीज़ होती है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर जो एप्रिसिएशन मिलने वाली है वो बहुत अच्छी है, और हम कुछ देर से हम जहाँ यहाँ पर एप्रिसिएशन देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छी है। और यार एप्रिसिएशन से एक बढ़कर एक चीज़ होती है जो अपने घर वाला फील होता है, वो यहाँ सबसे अच्छा है, तो सबसे ज़रूरी भी यही चीज़ होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो जो हमारी आज की है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त है जिसे कोई घर लेना है तो उसके साथ प्लीज़ शेयर भी कीजिए। और दोस्तों आपका कोई सुझाव हो हमारे लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए घर के साथ, तब तक आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।